Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त. गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूँ सुजुकी के शोरूम में, जो कि राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है. सो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सुजुकी जिक्सर SF बाइक का. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इसमें. सो गाइज, ये है सुजुकी की जिक्सर SF बाइक, बहुत ही स्पॉटी, बोल्ड, अग्रेसिव एंड मस्कुलर लुक के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को. सबसे पहले इसका फ्रंट फेशिया देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको फ्रंट की लुक देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है. अब चलिए इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विंडशील्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश का वर्क देखने को मिल जाएगा. अगर मैं इसकी हेडलाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED में ही सेटअप प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, तो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं. ये है नीचे की मडगार्ड की लुक और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा या फिर बैजिंग देखने को मिल जाएगी. तो ये है इसकी फ्रंट लुक. अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को. ये है बाइक की साइड लुक, जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रही है. अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 165 mm. अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 148 kg का वेट बाइक का देखने को मिल जाएगा और अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूं तो वो है 795 mm. फ्रंट व्हील में एंड रियर व्हील दोनों में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और पीछे वाले व्हील में आपको सिंगल चैनल ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का फंक्शन प्रोवाइड कराया गया है. उसके साथ अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के टायर प्रोवाइड कराए गए हैं. फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा. अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 100, 80, 17 और रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा. तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 140, 60, 17. यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स ही देखने को मिल जाएंगे. फर्दर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का ऑप्शन दिया गया है और वही रियर में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. उसके साथ यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर साइड में आपको स्ट्राइप्स प्रोवाइड कराई गई हैं, जो कि अट्रैक्टिव लग रही है. और मैं अगर इसके ओवरऑल बॉडी वर्क की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फाइबर ही देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर आपको जिक्सर SF की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, व्हाइट कलर के साथ की गई है, तो ब्लैक कलर में व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है. और उसके साथ यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको 150 cc का इंजन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि 13.6 PS की पावर एंड 13.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. और यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड की प्लेसमेंट कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. उसके साथ यहाँ पर आपको फुटरेस्ट प्रोवाइड कराया गया है. इसके साथ यहाँ पर आपको पीलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको साइलेंस मफलर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. देख लेते हैं इसके सीट्स को. तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में लेदर सीट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि कुशन एंड कंफर्टेबल लग रही है. ये आपको स्प्लिट सेटअप के साथ प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको स्प्लिट सेटअप के साथ ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, S सिंबल. तो ये थी बाइक की साइड लुक. अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को. ये है बाइक की रियर लुक. अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स को. तो ये है इसकी टेल लाइट्स, जो कि आपको LED में ही प्रोवाइड कराई गई है. उसके साथ ये है कुछ मडगार्ड की लुक. सेंटर में आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर दो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट कर दी गई है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स ही प्रोवाइड कराए गए हैं. नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको टायर हगर भी प्रोवाइड करा दिया गया है. तो अगर मैं मडगार्ड और टायर्स के बीच में गैप देखूं तो इतनी गैप आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे जो टायर की लुक है वो और अच्छी लग रही है. उसके साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. तो ये थी इसकी राइट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल. अब देख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल को. ये है बाइक की लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल. इट इज़ लुकिंग नाइस, इजंट इट? तो चलिए अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. तो अगर
रियर पैसेंजर ने साड़ी या चुन्नी वियर की हुई है तो वहाँ पर फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको पीलियन के लिए फुटरेस्ट प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। सेंटर में स्टैंड की प्लेसमेंट करी गई है और इसके साथ यहाँ पर आपको साइड इंजन कट ऑफ स्टैंड की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। ये है इसका गियर लीवर जो कि वन डाउन एंड फोर अप ऑप्शन के साथ प्रोवाइड कराया गया है। इसके साथ यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको स्ट्राइप का वर्क देखने को मिल जाएगा। ग्रे एंड ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन यूज की गई है, अच्छी लग रही है तो फाइबर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको जिक्सर SF की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और पीछे यहाँ पर आपको एक लॉक दिया गया है जो कि सीट को खोलने के लिए दिया गया है। तो सीट के अंडर आपको टूल किट एंड फर्स्ट एड किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पर भी आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, S सिंबल। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक प्रोवाइड कराई गई है जो कि काफ़ी मस्कुलर लग रही है। अगर मैं इसके कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 12 लीटर और अगेन ये आपका E20 फीचर के साथ अवेलेबल है। तो ये आपका 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ राइड की जा सकती है। ये है इसका सेंटर कंसोल, तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर TFT ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ अभी क्योंकि बाइक न्यूट्रल मोड में है तो उसका ऑप्शन देखने को मिल रहा है और उसके साथ यहाँ पर आपको ABS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में अभी की हैंगर तो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आपको मैनुअल की ही प्रोवाइड कराई गई है एंड सेंटर में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको क्लच का ऑप्शन दिया गया है, हैंडल दिया गया है, उसके साथ यहाँ पर आपको पासिंग का बटन दिया गया है, ये हाई बीम एंड लो बीम के लिए, ये आपका इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको हॉर्न की प्लेसमेंट करी गई है, तो अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ पर ऑफर करी गई है। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको किल स्विच देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, एक हैंडल एंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दो मिरर्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि काफ़ी स्टडी लग रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह का आपको एग्जॉस्ट नोट यहाँ पर सुनाई देगा तो लगेगा कि आप बाइक चला रहे हो। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको सॉकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जो कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी दी गई है फॉर गुड बैलेंसिंग एंड स्टेबिलिटी। तो ये थी आपकी जिक्सर SF बाइक बहुत ही शानदार लुक के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 1,45,901 रुपये और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो आपको कॉस्ट करेगी 1,75,000 रुपये दिल्ली में। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।